अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आ गया हूँ, मतलब मैं हूँ पी स्मिथ में। और अगर आपने नहीं देखा मैं स्मिथ कैसे आया तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी देखने को। मैं हूँ अभी स्मिथ में और स्मिथ में मैंने लास्ट नाइट यहीं पर गुजारी थी। और पीछे एक म्यूज़ियम है, एक जो फाइटर शिप होती है उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। वो 19th सेंचुरी में फाइट में मतलब थी, तो उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया है। बट मैं वहाँ जा रहा था, उन्होंने बोला 18 साल का होना कंपलसरी है, तो मेरे को वहाँ पे नहीं जाने को मिला। तो अगर आप लोग आएँ तो आप देख लीजिए यहाँ का व्यू, ये मेन मार्केट से बहुत दूर है। हम आपको फ्रेंड्स जाते जाते यहाँ पे रास्ते में मुझे दिखा एक खूबसूरत सा पार्क, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पार्क है। वहाँ पे देखिए माउंटेन्स वगैरह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई वॉन्ट टू गो देयर। ये देखिए पार्क है, समुद्र के पास चलते हैं। आपको समुद्र के पास से चीज़ें दिखाता हूँ कि ये स्मिथ कितना बड़ा है। मतलब स्मिथ हम इस साइड खड़े हैं, मतलब इस्तांबुल के ऐसे में इस साइड खड़ा हूँ मैं, और सामने एक और शहर है, वो सब दिखता है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखिए यहाँ से वो देखिए सामने वो पूरा शहर है। माउंटेन्स देखिए कितने ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं यहाँ से, ऐसा लगता है तो अलग अदर साइड ऑफ अर्थ की। आइए चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ये देखिए यहाँ से ब्रिज, सो फ्रेंड्स ब्रिज से नीचे आ चुका हूँ। ये देखिए ब्रिज, और ब्रिज से नीचे आते ही डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे हूँ। ये म्यूज़ियम है, टेक्नोलॉजी वाला म्यूज़ियम है, और आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है ये। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, सो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। ये इस जगह का नाम है, यहाँ पे थोड़ी चेकिंग वगैरह होगी बैग वैग का, तो अंदर चल के सो चेकिंग हो गई है और मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर आके पता चला ये तो फ्री है, हम ऐसे ही घूम सकते हैं यहाँ पे। मैं अंदर आ गया हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा शहर का नक्शा बना रखा है। ये है वो म्यूज़ियम जहाँ मैं अभी आया हूँ, ये सब स्टेशन है। इस ब्रिज से मैं आया था, ये देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, बहुत पुराना मैप है, जब ये वाले कॉइन्स चलते थे, मतलब जब क्रिश्चियन लोग थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये इस्तांबुल है पूरा, यहाँ पे हूँ मैं अभी इस जगह पे, ये समुद्र वाला एरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस जगह पे हूँ मैं अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, सो फ्रेंड्स यहाँ पे है टर्बाइन। यहाँ पे देखिए ये एक मोटर है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टरबाइन, इतना बड़ा मत सोचिए, इतना बड़ा होता है टरबाइन एक। ये देखिए यहाँ पे कैसे काम होता था पहले, ये ओरिजिनल जगह है, बस ये ब्रिज बनाया है एक्स्ट्रा, मैंने पूरा ओरिजिनल है ये सब। ये देखिए पीछे भी पिक्चर लगे हुए कैसे जगह को ढूंढा है, यहाँ पे ही बना हुआ है। यहाँ पे ना वुड काटने का काम होता था, देखिए सारे वुड रखे हुए हैं, यहाँ पे भी लकड़ी मतलब वुड, और वहाँ भी कि सारे कॉइन्स ढूँढे 2018 में। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, उस्मानी टाइम से, ये देखिए उस्मानली सिक्के ले रही, सिक्के मतलब यहाँ पे भी सिक्के बोलते हैं सिक्के। यहाँ पे ये देखिए, और आगे चलते हैं। ये देखिए इन जगहों पे ये सारी चीज़ें ढूंढी है, ये देखिए ये सारी मशीन यहीं पे हैं, इस वजह से इन सबको निकाला नहीं यहाँ से। सर्टिफिकेट वगैरह ये तो पुराने, पर्सनली ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि पुराने टाइम के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं। आप यहाँ देखो ये सब इलेक्ट्रिक चीज़ें, मतलब सब इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें। देखिए हाँ मीटर लगा हुआ है,
और ऊपर देखिए वॉल्ट में सब नंबर भी हैं, ये देखिए यहाँ पे। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें सिर्फ कुछ पिक्चर्स या मूवीज़ वगैरह में देखी हैं, बट रियल लाइफ में पहली बार देखा हूँ। ये देखिए 100 किलोवाट वोल्ट, 100 किलोवाट। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने सिर्फ पिक्चर्स या मूवीज़ वगैरह में देखी हैं और रियल लाइफ में देखा हूँ। देखिए पुराने टाइम का टेलीफोन, स्टैम्प बॉक्स, स्टैम्प कैसे रखते थे पहले, ये पेपर कटर, पेपर जो वोटिंग करते थे हमें, टाइपराइटर। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए कार्टून्स हैं मतलब गत्ते, और उनको रिसाइकल कैसे होती है, ये वो मशीन है, वो पूरी जगह है, फैक्ट्री है पूरी, वो देखिए ये पूरी फैक्ट्री जहाँ पे पेपर बनते हैं, अब देख रहे हो पेपर बनने पर, पेपर बनाने वाली मशीन, पूरी फैक्ट्री देख रहा हूँ मैं आज। मतलब अब सोचो जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो बनता कैसे है, अब सोचते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन रियल लाइफ में ऐसे देखने को मिलेगा ये सब। ये देखिए वुड को कितने पतले पतले पीस में काटते हैं, ये देखिए, और रिसाइकल भी हो जाती है क्योंकि पहले की चीज़ों को मतलब रिसाइकल, अभी भी रिसाइकल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पे स्टेयर्स कितने पतले हैं, मोटर मशीन, आई थिंक इसमें ये लोग पानी पीते थे। ये लालटेन यहाँ पे भी है, वाओ। यहाँ पूरी फैक्ट्री के अंदर ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बनाते कैसे थे, टच नहीं कर सकते बट देखिए ऊपर से। अगर मैंने इस जगह के बारे में एक चीज़ के बारे में आपको बताना शुरू करो ना तो ये वीडियो आधे घंटे तक बन सकती है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं। आप ये खुद देखो इतनी सारी चीज़ें जो पेपर बनाती हैं, मशीन है, कटर है, ये देखिए पानी, पानी से जो कटिंग करते थे यहाँ पे, अब तो नहीं है वैसे सब। और हाँ एक और बात बताऊँ, यहाँ पे इतने कम क्यों लोग हैं क्योंकि मैं सुबह सुबह आ गया यहाँ पे, सुबह सुबह जाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोग भी नहीं होते और आप इजीली मतलब वीडियो बना के ज़ोर से बोल सकते हो। अगर ज़ोर से बोलूँगा ना तो लोगों को डिस्टर्ब होगा कि कौन बोल रहा है इतनी ज़ोर से, इस वजह से मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ आराम से अपने ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के आप लोग को बताते हुए दिखाते हुए चल सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हो अभी, तो आइए दूसरे रूम में चलते हैं यहाँ से। तो इस मशीन को छोटे मॉडल में बना के दिखाया है, ये देखिए पूरी मशीन दिखाई है, यहाँ पे लिखा भी है पेपर मशीन, ये देखिए उतनी बड़ी है, मतलब मॉडल कितना छोटा है और है ये कितनी बड़ी एक्चुअली। अच्छा नीचे जा सकते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। कभी आप लोगों ने पेपर बनाने वाली मशीन देखी नहीं, देखी तो ये देखिए इतनी बड़ी होती है मशीन, पुराने टाइम की है, आज के टाइम की नहीं, बहुत पुराने टाइम की है। ये देखिए कितने बड़े बड़े रोलर लगे हैं बीच में, देखा आपने कितनी बड़ी मशीन है। चलिए अब बाहर चलते हैं, मतलब उस रूम में चलते हैं उस तरफ, लेट्स गो। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट हैं जो उस टाइम के होंगे, मेरे उसी टाइम के होंगे, इतने पुराने तो सर्टिफिकेट वहीं के होंगे। ये टाइपराइटर है, टेलीफोन, कैमरा वगैरह भी है, माइक्रोस्कोप, देखिए पहले पूरा आयरन से था, आजकल क्या इस चीज़ से ही बनता है थोड़ा बहुत, और पूरा पहले तो आयरन आयरन यूज़ होता था हर चीज़ में। फ्रेंड्स मैंने आपको दो फ्लोर तो घुमा दिए, एक ऊपर जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, एक नीचे जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अब चलते हैं टॉप फ्लोर पे, जो क्या देखने को मिलता है वहाँ आप देख के पता चलेगा, तो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये टॉप फ्लोर, यहाँ पे आई थिंक सुखाया जाता है क्योंकि तो यहाँ पे ज़्यादातर रोल कोस्टर हैं, तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े बकेट्स हैं जिसके अंदर तो हम जा नहीं सकते, आई थिंक यहाँ पे सुखाया जाता है पेपर्स को बना के, यहाँ से शायद लाते होंगे ऊपर,
और यहाँ पे सुखाते होंगे क्योंकि यहाँ पे धूप आती है बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। केमिकल्स भी हैं, हाँ यहाँ पे सुखाया जाता है क्योंकि केमिकल्स तो लगते हैं ना यहाँ पे पेपर के वजह सुखाने के लिए, तो ये केमिकल्स का यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वो जगह। इसलिए गाइस मैं अब नीचे जा रहा हूँ, तो ये देखिए बाहर का व्यू। इल्यूजन मिरर से आप देख सकते हो यहाँ पर रोबोट्स हैं, ओरिजिनल नहीं है बट रोबोट हैं और ये भी फ्री है। बस अंदर आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे भी। ख्याल से इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कॉर्नर रिफ्लेक्टर, क्योंकि इससे काफ़ी सारे हम मिरर से इल्यूजन पैदा कर सकते हैं लाइट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम अपनी फिंगर्स को डाल के यहाँ देख सकते हैं, वो देखिए क्या माइक्रोस्कोप पे हम अपने आप को देख सकते हैं, मतलब अपनी फिंगर्स वगैरह को। नेल मेरा बड़ा साफ है, लाइनिंग है नेल पे, देखिए वो वहाँ पे है। दो पिक्चर्स देख सकते हो आप, दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ एक दिखेगी, मतलब दोनों में देखना पड़ेगा, दोनों में देखेंगे तो एक दिखती है। अभी मैं आपको मतलब बता सकता हूँ पर दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरे से मैं दोनों तरफ तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट इट्स रियली गुड बिकॉज। और ये कमाल है मिरर का, अंदर जो है मिरर लगा हुआ है और उससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट अंदर वाले मिरर पर जा रही है और उससे हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ। आप देख सकते हो आगे कुछ भी नहीं है, कवर है आगे से, और लेकिन ये कैसे मिरर है और ये कैसे जिससे हमें दिख रहा है, वो सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर इल्यूजन वगैरह है थोड़ा सा, ये देखिए ये देखिए गाइस, ये रूम ये रहा। और यहाँ पे क्या है कि वहाँ सामने कैमरा लगा है और ये होता है इल्यूजन है, अगर वहाँ कोई खड़ा होगा और यहाँ कोई खड़ा होगा ना तो ऐसा लगेगा वो बड़ा है और ये छोटा है, मतलब कोई छोटा यहाँ खड़ा हो जाए वहाँ बड़ा खड़ा हो जाए तो वो बड़ा वाला छोटा लगेगा, ये बड़ा छोटे वाला बड़ा लगेगा। यहाँ से कैमरा है और सबसे सुंदर बात वहाँ पे सब शो होता है। ये देखिए मैं अभी चला गया यहाँ से, तो ये है यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मिला है 19th century का टेलीफोन, और इसमें मतलब नंबर्स तो नहीं है सामने से, यहाँ पे नंबर्स तो नहीं है बट यहाँ पर हम एक बटन से इसे ऑन कर सकते हैं और इसको सुन सकते हैं ऐसे। सो गाइस आप लोग को पता होगा 3 ऐसे कलर्स जिन कलर से सारे कलर्स बनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो 3 कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब इस रेड को हमने ऑन किया, अब हम इसके हिसाब से अपने लिए कोई से भी कलर इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज बन गया, येलो बन गया, ग्रीन लाइट ग्रीन ये ज़्यादा हो गया, हम इसमें रेड बढ़ा देते हैं, ये देखिए और इसमें ब्लू बढ़ाएंगे ये, तो इस तरह के हम अपने कलर्स यहाँ पर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं हूँ दूसरे रूम में और यहाँ पर देखिए यहाँ पर और सारी चीज़ें हैं। ये देखिए टोर्नेडो आ गया, यहाँ पे भी है ये चीज़, इसको ऑन करने से ऐसा बनता है कुछ, इसको ऑन करने से अगर मैं बंद कर दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए पर इसको ऑन करने से वापस आ जाएगा ये नीचे तक। सो गाइस जैसे कि मैंने बोला था, ये साइंस बच्चों के लिए मतलब साइंस स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए अगर हम धीरे धीरे इसको ऑन करेंगे ना तो ये वर्क करेगा, थोड़ा स्लो करते हैं इसको, बढ़ गया इधर की भाई, ये वाला ज़्यादा फास्ट है, मतलब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे छोड़ा मैंने, ये तो हो गया बंद, ये मैंने फुल ऑन कर दिया सिम,
ग्रेविटी कहाँ गई? तो अपना आप बनी जाएगा धीरे धीरे। ये चीज़ बहुत मज़ेदार है, ये सैंड को देखिए, ये आगे नीचे अब देखिएगा। अब देखिए चारों तरफ सैंड है, चारों तरफ। यहाँ पे देखिए तो ये चलते हैं इस पीस से बाहर। सो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। मैंने इस व्लॉग में दिखाया आपको एक फेवरेट और फेमस म्यूज़ियम, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पेपर कैसे बनाते हैं, पेपर की पूरी फैक्ट्री, और म्यूज़ियम के अंदर आपको साइंस की चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिल गई। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सब कुछ एक्टिविटीज़ करी, आप लोग को भी थोड़ा बहुत दिखाया मैंने। और अब मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ स्मिथ में, तो वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है। फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।